टेंथ ट्वेल्थ फेल व कम्पार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीग्रा व पांडेपुर वाराणसी। लाइव VNS टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर अखरी बाईपास चौराहा वाराणसी। वाराणसी में शुक्रवार को मिली 3013 कोरोना जांच रिपोर्ट में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। बीते 24 घंटे में किसी मरीज की मौत कोरोना से नहीं हुई है। वाराणसी जिले में इस समय एक कोरोना एक्टिव केस है। वहीं वाराणसी में अब तक 82,397 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,623 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुरा बीर मलदैया मार्ग पर गुरुवार शाम एक फॉर्चुनर कार का शीशा तोड़कर उचक्कों ने पर्स उड़ा लिया। गाजीपुर निवासी पीड़ित ने इस मामले में थाने में तहरीर दी है। बाद में पीड़ित को पर्स तो मिल गया पर उसमें रखे रुपए गायब थे। जानकारी के अनुसार गाजीपुर के नंदगंज थाना अंतर्गत अलीपुर बनगावा निवासी अविनाश कुमार पांडे इलेक्ट्रॉनिक का कुछ सामान लेने के लिए फॉर्चुनर कार से वाराणसी आए थे। लहुराबीर मलदैया मार्ग पर एक दुकान पर वे गाड़ी खड़ी कर बिजली का कुछ सामान लेने के लिए दुकान में गए थे। अलग अलग सड़क हादसे में शुक्रवार को दो लोगों की जान चली गई। लहतारा में शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक पर निकले वृद्ध को बेकाबू ट्रक ने कुचल डाला। वहीं गीलट बाजार के पास बेकाबू वाहन की चपेट में आने से बाइक डिवाइडर से टकरा गई और हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शिया मुसलमानों के 11वें इमाम हसन अस्करी की शहादत के मौके पर दालमंडी स्थित सफदर और शब्बीर के इमामबाड़े से साढ़े का जुलूस कोविड गाइडलाइन के अनुपालन में उठाया गया। इस जुलूस के साथ ही शिया संप्रदाय का शोक का 2 महीना 8 दिन चलने वाला मुहर्रम भी खत्म हो जाएगा। यह जुलूस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने पारंपरिक रास्तों से होता हुआ दरगाह फातमान लल्लापुरा में समाप्त हुआ। मोबाइल टावर कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर दीपक सिंह ने खुद अपने अपहरण की झूठी साजिश रची थी। पुलिस ने उसे मथुरा के वृंदावन के एक होटल से गुरुवार की शाम बरामद कर लिया। उसे जिले में लाकर बाकायदा पूछताछ की जाएगी। इंजीनियर के साले व परिजनों के आरोप पर चहनिया के सेक्टर 4 से जिला पंचायत सदस्य गोपाल सिंह समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस छानबीन कर रही थी। IGSK भगत ने मुगलसराय कोतवाली में SP समेत अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी ली। पूरा देश आज असत्य पर सत्य का पर्व विजयदशमी हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। विजयदशमी पर शस्त्र पूजन की मान्यता है। इसी क्रम में बनारस में स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी का शस्त्र पूजन समारोह सकुशल संपन्न हुआ। शुक्रवार को दारानगर स्थित स्वर्णकार समाज धर्मशाला में स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी ने शस्त्र पूजन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित दुर्गा पूजा पंडाल सहित शहर के सभी बंगीय समाज के पंडालों में शुक्रवार को माता की अंतिम विदाई में महिलाओं ने देवी को सिंदूर चढ़ाकर खुशी का इजहार किया। मान्यता है कि दुर्गा पूजा महोत्सव में 5 दिन के लिए देवी अपने परिवार के साथ कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर आती हैं। दशमी पूजा संपन्न होते ही वापस कैलाश चली जाती हैं। दशमी पूजा समाप्ति के बाद सबसे पहले महिलाओं ने माता के माथे में सिंदूर लगाकर अपने अपने सुहाग की रक्षा के लिए मन्नतें मांगी और उसके बाद सिंदूर की होली खेली। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का जन्मदिन शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की ओर से लाया गया केक काटा और कार्यकर्ताओं ने उनके यशस्वी व दीर्घायु होने की कामना की और उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। कश्मीर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो विकास हो रहा है इससे वहां की जनता भारत से दिल से जुड़ रही है। यही बातें आतंकवादी सोच रखने वाले लोगों और पड़ोसी देश को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इससे आतंकी बौखलाहट में ऐसा कदम उठा रहे हैं जिनका मुकम्मल इंतजाम हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। उन्होंने इस दौरान यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पर भी निशाना साधा। डिंपल ने कहा कि भाजपा ने किसानों को भी आतंकवादी कहा जो देश के लिए और इनके खुद के लिए घातक होगा। वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए डिंपल ने ये बातें कही। बता दें कि शुक्रवार को एक न्यूज एजेंसी को दिए गए बयान में यूपी भाजपा के अध्यक्ष
स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अखिलेश के शासनकाल में आतंकवाद का बम फटता था। शहरी क्षेत्र के दो बड़े विजयदशमी के मेले कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्थगित किए गए थे। मलदईया और बीएलडब्ल्यू में इस वर्ष रावण दहन नहीं हुआ और वहीं ग्रामीण अंचलों में विजयदशमी मेले में धूम दिखाई दी। वहीं शहर में पूजा समितियां हर्षोल्लास के साथ माता को विदा कर रहे हैं। राजघाट सामने घाट पर बनाए गए वैकल्पिक कुंडों के अलावा शहर में स्थित संकुल धारा पोखरा लक्ष्मी कुंड में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो चुका है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संकुल धारा पोखरे पर एसीपी भेलूपुर प्रवीण कुमार और लक्ष्मी कुंड पर एसीपी दशा समेत की देखरेख में मांझी समाज के सहयोग से विसर्जन किया जा रहा है। इधर रोहनिया थाना क्षेत्र के मोहन सराय गाँव में स्थित तालाब पर शुक्रवार को दशहरा के अवसर पर ग्राम प्रधान मनोज वर्मा के नेतृत्व में अमलेश मिश्रा के विशेष सहयोग से गांव के नवयुवकों द्वारा विजयदशमी मेले का आयोजन किया गया।